नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंदर और स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू हुंडई फेसलिफ्ट 2022 का DCT वेरिएंट, यानी कि SX ऑप्शनल में DCT वेरिएंट के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में भाई हम पूरी गाड़ी का बैकग्राउंड वीडियो करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या गाड़ी के अंदर फीचर्स मिलते हैं, क्या गाड़ी की परफॉर्मेंस है। तो वीडियो ही बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट से। अगर फ्रंट से बात करें तो फ्रंट से जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इस कार की जो लुक को, वो है इसकी ग्रिल। जो क्रोम ग्रिल आप सामने देख रहे हो, बहुत ही बेहतरीन लुक इस गाड़ी का आ रहा है। बाकी ये जो ग्रिल है इंस्पायर्ड करती है हुंडई टुसोन से, और अब आने वाले जो क्रेटा है फेसलिफ्ट द्वारा, जो इसका 2023 में मॉडल आएगा, उसमें भी आपको लगभग सेम ही ग्रिल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसके कुछ फ्रंट के जो फीचर्स देख लेते हैं। फ्रंट से अगर बात करें तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है हैलोजन बल्ब के साथ, और यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप देखने के लिए मिलता है, साथ में ही कॉर्निंग लैंप का भी ऑप्शन मिलता है, और ये आपको DRL लाइट है। उसके बाद दोस्तों अगर इसके बात करें, नीचे आपको फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं दिया गया है। बाकी ये डिजाइन एलिमेंट की बात करें तो इसमें गाड़ी का लुक बहुत ही ऑसम लग रही है, बहुत ही देखने में मतलब बहुत अच्छी लग रही है देखने के अंदर। और अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो दोस्तों साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हम देख लेते हैं गाड़ी का टायर, और टायर की बात करें तो ये 215/60 R16 का आपका टायर साइज का प्रोफाइल मिलता है, और ये डायमंड का अलॉय व्हील देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक गाड़ी के अंदर मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों ये कुछ ओवरऑल इसका साइड लुक है गाड़ी। साइड में देखने में बहुत ही मस्त गाड़ी लग रही है, और सब 4 मीटर के अंदर ये को कॉम्पैक्ट SUV देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद फ्रंट पे आपको देखो, आपको रूफ रेल्स भी देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ के क्रोम हैंडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। मिरर आपके इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल प्लस एडजस्टेबल है, और मिरर जो है आपके की से ही फोल्ड और प्लस अनफोल्ड हो जाएंगे देखने के लिए, जिस हिसाब से आपके फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। और ये गाड़ी की एक सुंदर सी की है, जो कि वेब में इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट मिलता है, तो इस हिसाब से आपको की मिलेगी, 2 स्मार्ट की आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है देखने के लिए। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं गाड़ी के थोड़ी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये टर्बो इंजन है आपको, तो टर्बो इंजन में आपको 1 लीटर का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी 120 PS की पावर जनरेट करता है और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। प्राइस की अगर बात करें तो 12,57,000 इसका एक शोरूम है, और ऑन रोड की बात करें तो लगभग 14.5 लाख का भिवाड़ी राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ हमें इसकी 3995 mm की मिलती है। अगर हाइट की अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, हाइट जो हमें गाड़ी की देखने की मिलती है 1617 mm की मिलती है, और विड्थ की अगर बात करें तो 1770 mm मिलती है, और व्हील बेस की अगर बात करें तो 2500 mm का हमें इसमें व्हील बेस देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद इसका जो फ्यूल टैंक है वो 45 लीटर का हमें देखने के लिए गाड़ी में मिल जाता है। दोस्तों एक बार गाड़ी का रियर लुक और देख लेते हैं, रियर से भी मैं आपको एक बार गाड़ी दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये है गाड़ी का रियर लुक। रियर में देखने में बहुत ही मस्कुलर सी गाड़ी आपको दिख रही है, और सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रही है गाड़ी की फ्रंट से, जैसे मैंने बताया था ग्रिल हो, तो रियर से भी इसकी भाई ये जो आप इसकी LED लाइट देख रहे हो ना, पूरी कनेक्टिंग लाइट, ये इसके अंदर सबसे शानदार लगती है पीछे। और नाइट के टाइम में इसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसके अंदर पार्किंग सेंसर, कैमरा और आपका ABS, EBD, 2 एयरबैग, आपको सारी चीज़ें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों इसमें 4 पार्किंग सेंसर के पॉइंट मिल जाते हैं, कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो इसका डिजाइन एलिमेंट आप देख रहे हो इससे भी गाड़ी का लुक बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाती है। बूट स्पेस की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो बूट स्पेस में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। बूट स्पेस ओपन करने के लिए मैग्नेटिक स्विच मिलता है, और आप जो बूट स्पेस आपको डिस्प्ले पर शो रहा होगा, बाकी जो उसकी सीट है वो 60-40 आपको फोल्ड होने के लिए देखने के लिए मिल जाती है। स्पेयर व्हील की दोस्तों अगर बात करें तो स्पेयर व्हील आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, और इसमें कहीं पे भी अलॉय व्हील नहीं है, स्टेपनी आपको सिंपल मिलती है, जैक रोल टूल किट आपको हुंडई से फिटेड आता है, और बाकी आपको बूट स्पेस में भी लाइट देखने के लिए मिल जाती है। डिफोकर वाइपर भी आपको गाड़ी में कंपनी फिटेड मिलने वाले हैं, और शार्फिन एंटेना आपको ऊपर दिख ही रहा है। तो अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर में जाने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आ सके, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। इंटीरियर में दोस्तों इसकी सीट एक बार आप देख लो, ये जो सीट है इलेक्ट्रिकली ये आपकी पूरी एडजस्ट होती है। ये आपके वहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी को सीट को आगे और पीछे, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो यहाँ से आपकी गाड़ी की जो सीट है ये आपको रियर में होगी, और यहाँ से फ्रंट में आपको कर सकते हैं, मतलब ये जो ऑप्शन है आपको सीट को आगे पीछे करने के लिए, ये जो आप देख रहे हो सीट को, यहाँ पर आप इस हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे, 4-way में ही एडजस्ट का दिखा रखा है। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं गाड़ी का इंटीरियर। तो कुछ हिसाब से आपको इंटीरियर देखने के लिए मिलता है ड्यूल टोन का, बिल्कुल लेटेस्ट न्यू अपडेटेड आपको ये आपको इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। तो मिरर आपको डे नाइट एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको ब्लू लिंक के फीचर मिल जाता है, यहाँ आपका इमरजेंसी बटन आपको देखने को मिलता है, और ये आपका RSA का बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको केबिन लाइट देखने के लिए मिलती है, और आपको कहीं पे भी इसमें सनग्लास होल्डर देखने के लिए नहीं मिलता है, ये आपका सनरूफ का बटन है। तो शेड आपको मैनुअली करनी पड़ती है, और ये बटन है जो आपका पूरा इलेक्ट्रिकली ही
देखने के लिए मिलता है। इलेक्ट्रिकली आपका सनरूफ ओपन और क्लोज हो जाता है। और ये हाथ से अपन इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की। तो ये आपको म्यूजिक सिस्टम मिलती है पूरी हाई HD के अंदर, आपको म्यूजिक सिस्टम की स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। इसमें एप्पल एंड्रॉयड प्लस एप्पल और एंड्रॉयड आपको वायरलेस सपोर्ट के लिए अंदर मिलता है। और कुछ काफ़ी बेहतरीन इसके अंदर फीचर्स भी आपने को देखने के लिए मिल जाता है। आपका मैप है, नेविगेशन, फ़ोन है, फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, ये आपको AC का कंट्रोल, क्लाइमेट का बटन है, ये आपका AC का क्लाइमेट का बटन है। यहाँ से आप अपने हिसाब से मतलब म्यूजिक सिस्टम से भी आप AC के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑटो क्लाइमेट AC देखने के लिए मिल जाता है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, और ये आपको पूरा इसका जो गियर बॉक्स का ट्रांसमिशन है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पार्किंग का बटन है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और प्लस माइनस, आप से मैनुअल भी ड्राइव कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ड्राइव बटन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जैसे हिसाब को ड्राइव बटन, जैसे ये इको है, नॉर्मल है, स्पोर्ट है, यहाँ पर हिसाब से ड्राइविंग मोड भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इसका बटन ये जो यहाँ पे दे रखा है, हैंड ब्रेक आपको नॉर्मल मिलता है, आर्म रेस्ट आपको मिल जाता है, ये जो बटन आप देख रहे हो एयर प्यूरीफायर का बटन है, इस हिसाब से आपको यहाँ पे दिया हुआ है और इस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो आप इसे। उसके बाद दोस्तों इसका क्लस्टर देख लेते हैं गाड़ी का। क्लस्टर आपको फुली डिजिटल देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी के अंदर। और उसके बाद इसके जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे स्टीयरिंग पे दे रखे हैं। स्टीयरिंग पे आपको वॉइस रिकॉग्निशन का बटन है, आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, आपका क्रूज कंट्रोल इसमें दे रखा है, और कुछ क्लस्टर के सेटिंग के बटन है। उसके बाद आपको बात करें स्टीयरिंग, आपको इसमें एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों जो ये आप देख रहे हो प्लस और माइनस के जो इसमें दो बटन दे रखे हैं, ये आपको पैडल शिफ्टर दे रखे हैं। जैसे ही आप इसको गियर नॉब को ड्राइव मोड पे करोगे और प्लस माइनस में करोगे, अगर आप मैनुअल चलाना चाहते हो तो प्लस पे आप जैसे ही करोगे तो गियर अपग्रेड होगा और माइनस में डाउन होगा। जैसे आपको फर्स्ट या सेकेंड गियर लगाना है तो आपको प्लस का बटन दबाना है, और डाउन करना है तो आपको माइनस का बटन दबाना है। तो यहाँ ग्लो बॉक्स में भी आपको ठीक ठाक सा डिसेंट स्पेस मिल जाता है देखने के लिए। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा स्पेस दे रखा है, मोबाइल वगैरह इस पर रख सकते हो। बाकी ये आपके जो सिल्वर कलर की फिनिशिंग दे रखी है इसी वेंट्स के अंदर, और आपका जो इंटीरियर का कलर है मैचिंग है पूरा डोर्स के साथ। यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच दे रखा है, यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक दे रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको गाड़ी के अंदर पुश बटन स्टार्ट देखने के लिए मिल जाता है, और आपको ये कुछ मिरर्स के कंट्रोल है आपका, इसमें आप मिरर फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। ये एडजस्टेबल का बटन है, चारों पावर विंडो, सेंटर लॉक, सारी चीज़ें इसके अंदर गाड़ी में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर 1 लीटर की पानी की बोतल होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाती है। अभी दोस्तों चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पर। रियर सीट पर देखते हैं हमें कैसा क्या स्पेस मिलता है, अगर आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये है रियर का लुक, और रियर में देखने में ठीक ठाक स्पेस हमें देखने के लिए मिल जाता है। मेरी हाइट लगभग 5'8" है, और इस हिसाब से मेरे को हेड रूम मिल रहा है देखने के लिए, और ये मेरे को लेग रूम देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे आपको रियर AC का वेंट और चार्जिंग करने के लिए मोबाइल की जो केबल्स के ऑप्शन भी दे रखे हैं, और ये पीछे आपका पूरा लुक मिल जाता है। इस पर जो आपके हेड रेस्ट है वो सारे एडजस्टेबल मिल जाते हैं, आगे की भी और पीछे की। यहाँ पर आपको एक पीछे आर्म रेस्ट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी सीट इसकी दोस्तों लेदराइज सीट इसके अंदर थोड़ा सा कवर कर रखा है, यहाँ पे कुछ फैब्रिक का है, और यहाँ पे लेदर का ऑप्शन दे रखा है गाड़ी के अंदर। एक कैबिन लाइट दोस्तों आपको पीछे भी देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों कुछ इस हिसाब से इसका शॉर्ट वॉक अराउंड वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।